हेलो फ्रेंड्स स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम इस वीडियो में आईटीसी से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं एन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नेशनल सुपर कंप्यूटरिंग मिशन भारत की एक पहल है और परम शिवा एक सुपर कंप्यूटर हैं इस आधार पर हमारा आंसर है वह सही हो जाएगा फिर अगला है सूची मिलान <coughs> वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर का आएगा क्रोम वेब ब्राउजर है वह क्रोम है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है वह डॉस है और सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है वह हार्ड से को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वह एमएस वर्ड है फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान प्रोसेसिंग प्रोग्राम प्रोग्रामिंग भाषा प्रोग्रामिंग भाषा का आ जाएगा C++ प्लस प्लस यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का आएगा विंडोज एक्स पी और यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इंटरनेट का आ जाएगा वर्ड एरिया नेटवर्क इंटरनेट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं एम एस पावर पॉइंट है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इस आधार पर हमारा बी आंसर हैं वह सही होगा फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान। इमेज का आ जाएगा जेपीजी वीडियो है वह ए पी जी में वीडियो का आएगा और ऑडियो का एम पी थ्री में आएगा वर्ड प्रोसेसिंग का डी ओ सी में आएगा फिर अगला प्रश्न है परिवर्णी शब्द जी आई एफ का पूरा नाम क्या है तो जी आई एफ का पूरा नाम ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है है अगला कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जिसका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटरों को चलाना था उनका अनुकरण करना जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर एडिटर इत्यादि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशिष्ट कार्य करते हैं आवश्यकता अनुसार यह भिन्न भिन्न उपयोग के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि वर्ड स्प्रेडशीट इत्यादि अगला है एल का संक्षिप्त रूप क्या है इसका फुल फॉर्म क्या ना क्या है आई का तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि इंटरनेट पर अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के उद्देश्य से सेंसर सॉफ्टवेयर व एम्ब्रेडेड होती हैं फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम ओ एस के बारे में कौन सा कथन सही है तो इसमें सी है वह सही हो कथन सही है ओ पेरीफेल्स को नियंत्रण करता है तथा मेमोरी और सॉफ्टवेयर टाइम का आवंटन करता है यह ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी कंप्यूटर केवल एक नियंत्रण मशीन मात्र होती है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर को काम करने के योग्य बनाती हैं और हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी चलने युक्त सुविधा प्रदान करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कथन ओएस स को नियंत्रण करता है तथा तो मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है ओएस कंप्यूटर से संबंध कोई एक चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। यहाँ देख सकते फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपराइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वह सॉफ्टवेयर का उदाहरण है सिप सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए डिजाइन किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रण और समय करने के लिए किया जाता है एक विधि बत्तीस बीट कंप्यूटर में प्राय किस संख्या विधि का अनुकरण किया जाता है तो इसमें दो का संख्या का अनुकरण किया जाता है और वह है जीरो और वन एक टेरा बाइट कितनी मेमोरी होती है तो एक टेरा बाइट में एक हजार चौबीस गुणित एक हजार चौबीस का तीन मेमोरी होती है कंप्यूटर स्मृति एक अक्षर अच्छा द्वारा ली जाने वाली स्पेस जगह को बाइट कहते हैं या कंप्यूटर स्मृति दूती सबसे छोटी इकाई है इसकी पहली इकाई बीट है इसकी स्मृति इस का क्रम है उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले बाइट आएगा एक बाइट बराबर आठ बीट होता है वही एक किलो बाइट बराबर एक के बी बराबर एक सौ चौबीस बाइट होता है वही एक मेगा बाइट बराबर एम बी बराबर एक सौ चौबीस सच किलो बाइट होता है एक गीगा बाइट बराबर जी बी बराबर एक सौ चौबीस मेगा बाइट होता है एक सौ चौबीस गीगा बाइट होता है एक हजार चौबीस मेगावाइट बराबर चौबीस मेगावाइट फिर फिर आ जाएगा फिर बाइट आएगा उसके बाद आएगा 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 फिर फिर इस आधार पर यह इसका क्रम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से ही पूछे जाते हैं कृपया इसे याद कर लें के देव मुख्या है तो सीपी के दो मुख्य अवयव हैं वह कंट्रोल यूनिट और पूरा है अथर्मेटिक लॉजिकल यूनिट है ई का उपयोग किसके एक्सप्लेन तो करने के लिए किया जाता है तो यह इमेज कंप्रेस करने के लिए किया जाता है जेई जे पी ई जी चौबीस वाइड पर पिक्सल को सपोर्ट करता है उसमें से हर आठ बीट बिटनेस ब्लू रेड के लिए होता है जो कि प्रो कलर फॉर्मेट बनाते हैं और 16 लाख से अधिक कलर डिस्प्ले करते हैं जे पी इमेज फोटोग्राफिक्स मैनुअल आर्टवर्क और रियालट्रिक इमेजिंग करने से अच्छे होते हैं जे पी ई मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है और बहुत ही उच्च गुणवत्ता इमेजेज बन सकते हैं लेकिन इसके कुछ कमियां भी हैं जैसे इसके द्वारा कंप्रेस की गई इमेज अपने ओरिजिनल इमेज जैसी नहीं होती और यह क्वालिटी और खो देती है फिर अगला है एक वेब पेज की लोकेशन को निवेदन करता है तो यह यूआरएल आर है यूआरएल पेज के द्वारा वेब पेज का पता किया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल वीडियो फाइल फार्मेट नहीं है तो वीडियो फाइल फार्मेट नहीं है वह जे नहीं है वीडियो फाइल फॉर्मेट है लेते हैं वह ए वी आई वीडियो फाइल फॉर्मेट है उसके बाद एम ओ वी है एम पी फोर है एम पी इजी फोर है फिर डब्ल्यू एम भी है उसके बाद एफ एल भी है यह वीडियो फाइल फॉर्मेट है अगला है कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में, में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित है तो यह भी है वह सम्मिलित हैं एल सी डी का लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले है इसका फुल फॉर्म है अब अगला है इंटरनेट एवं इंटरनेट से आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे डाटा आंकड़ा संचार के संदर्भ में फाइल आर्टिकल केवल के बारे में निम्नलिखित है वह सही है तो इसमें डी गठन है वह सही हो जाएगा फाइबर ऑर्टिकल केवल प्रकाश और आंकड़ों ले जाता है और यह अगला है सूची मिलान जे पी ए का आ जाएगा एक रेडियो डिस्टिचार प्रणाली जो उपयोग करता और उसकी सही वैश्विक का निर्धारण करने की अनुमति देता है फिर इन... इंटरनेट आएगा यह एक केवल संगठन सदस्यों में उपलब्ध निजी नेटवर्क का निजी नेटवर्क या वेबसाइट है ब्लूटूथ ब्लूटूथ है वह लघु दूरियों पर डेटा के आदान प्रदान की वायरलेस औद्योगिक का मानक है उसके बाद ए टी टी पी का आ जाएगा वेब पेजेज भेजने और प्राप्त करने उपयोग करने का एक प्रोटोकॉल है अंतर्राष्ट्रीय नेट निरपेक्षा की संकल्पना क्या हैं तो अंतरराष्ट्रीय नेटक की संकल्पना है वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंटरनेट का निर्बाध अभिजम्यता और उसका प्रयोग करना होता है फिर है वी ओ एल टी आई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है तो वी ओ एल टी आई का पूर्ण रूप है वायर ओवर लॉन्ग टर्मा एवलेशन जिन अनिल लेख इसमें कौन से कथन सही हैं उसको देखना है तो आईपी एड्रेस इंटरनेट कंप्यूटर को पहचान करने के लिए प्रयोग किया है या सही है और वीडियो वीडियो जैसी फाइल की जो संग्रहकों के रूप में मेल करता क्रेडिट नहीं की जा सकती वह के मध्य से अन्य कंप्यूटर को प्रेरित करता है यह भी सही है तो वहां हमारा आंसर वह सही हो जाएगा अगला है www.wikipedia निम्नलिखित में से किसने आविष्कार किया था तो इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था और यह कब किया था 1989 में किया था परंतु इसकी शुरुआत है वहां 1990 में ही हो चुका था फिर है कौन से कथन सही हैं उसको बताना है कथन पहला है ध्रुपल एक के दत्त सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि उपयोगकर्ता को सर्वर पर अंतर वस्तु अपलोड करने में सक्षम बनाता है तो यह कथन है वह गलत है सक्षम नहीं बनाता फिर है जामला एक निःशुल्क और मुक्त स्रोत अंत प्रणाली प्रबंध प्रणाली है यह सही है इस बात पर हमारा डी आंसर सही हो जाएगा पह, कथन पहला सही है पर कथन दूसरा है वह गलत होगा लेकिन में से कौन सा फाइल फार्मिक इंटरनेट पर वीडियो फाइल वितरण के लिए उपयुक्त हैं तो यह डब्ल्यू एम भी और एम पी फोर है वह फाइल वीडियो फाइल वितरण के लिए उपयुक्त है इस आधार पर हमारा भी आंसर है वह सही होगा फिर अगला है कुछ मिलान फिशिंग फिशिंग है वह कपट से अन्य व्यक्ति बैंक वितरण करने ईमेल को भेजने की क्रिया है और फार्मिंग को प्राप्त करने के उद्देश्य से उस व्यक्ति का एक कपटपूर्ण वेबसाइट पर डायरेक्ट किया जाता है, है यह आय ब्लड ईमेल है और स्प्रिंग कपट के अन्य व्यक्ति बैंक वितरण प्राप्त करने के लिए टेस्ट संदेश को भेजते फिर है सूची मिला हब हब हैं हाँ... हाँ 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 वह एक नेटवर्क डिवाइस है और जैस्टिक है हाँ वह एक इनपुट डिवाइस हैं नोट पैड है वह टैक्स एडिटर हैं हाँ और एंड्राइड हैं हाँ वह ऑपरेटिंग सिस्टम हैं आज के लिए बस इतना ही यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू